महापौर सीताराम जायसवाल महानगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जनता से अपील किया है कि महानगर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक को त्याग करना है। प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है। प्लास्टिक से ही छोटी से बड़ी नालियां जाम हो जाती हैं, जिससे बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या बनी रहती है और विभिन्न प्रकार के संक्रमण बीमारियां पैर पसारने लगती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में महापौर सीताराम जायसवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा, देशीय प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है। आज प्लास्टिक की वजह से शहर की सारी नालियां चौक हैं, उससे खेतों में जा रहा है, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है और ये 100 साल तक खराब नहीं होता और जिस धरती पर पड़ता है वहाँ की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है। मैं अपने तरफ से, नगर निगम के तरफ से, सभी पार्षदों के तरफ से, अधिकारियों के तरफ से, यहाँ की जनता के तरफ से अपील करता हूँ कि प्लास्टिक को अवॉइड करें, इसका प्रयोग बंद करें। अगर प्लास्टिक का प्रयोग बंद नहीं हुआ, गंदगी फैलेगी और स्वच्छ भारत मिशन की जो कल्पना है सरकार की और देश की जनता की, उसमें बहुत बड़ा बाधक है। नागरिकों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। दुकानदार भाइयों से भी मैं अपील करूंगा कि इसे न बेचें। उन नागरिकों से भी अपील करूंगा कि कैरी बैग का प्रयोग तो तुरंत अविलंब बंद करें। जितने भी यहाँ पर मैरिज हाउस हैं, कैटरर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इन सब की मीटिंग बुलाकर अलग अलग हम लोग वार्ता करेंगे कि प्लास्टिक को हर कीमत पर बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर लोग ने नहीं किया तो कानून अपना काम करेगा और इसमें हम लोग कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम गोरखपुर को नो प्लास्टिक जोन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।